बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उस्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब के रिज़्क़ के हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए होममेड पिज़्ज़े की बहुत मज़े की और आसान रेसिपी लेके आई हूँ। मेरा लार्ज साइज़ पिज़्ज़े का ऑर्डर था तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और मैं 3 पिज़्ज़ा इधर बना रही हूँ लेकिन वीडियो में एक की ही शूट कर रही हूँ, मतलब क्वान्टिटी चीज़ों की मेजरमेंट 3 पिज़्ज़ाज़ की है और शेयर में एक ही पिज़्ज़ा की रेसिपी कर रही हूँ। आप मेजरमेंट्स नोट कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा बनाने हों। और आपसे रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चटखारा विद उज़्मा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इधर नीम गर्म पानी ले लिया है मैंने हाफ़ कप एक कटोरी में, और उसमें 3/4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 टेबल स्पून जो बड़ा चम्मच खाने वाला होता है वो मैंने ईस्ट का ऐड कर दिया है, 1 चम्मच बड़ा चीनी का ऐड कर दिया है और नमक मैं इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ईस्ट यानी खमीर को हमेशा पानी में आप मिक्स करके रखा करें पहले, क्योंकि ये दानेदार होता है और ये पानी में अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाता है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो डायरेक्ट मैदे में ऐड करने की बजाय पानी में ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो पहले आप इसे नीम गर्म पानी में 5 से 6 मिनट के लिए रख लिया करें और उसके बाद डो को गूंदा करें। इस तरह आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारा ईस्ट एक्टिवेट होगा या नहीं। ये देखिए ईस्ट हमारा 5 मिनट के बाद ही कितना ज़बरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो चुका है, मतलब कि अब हमारी मेहनत इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगी और हमारी डो बहुत अच्छे तरीके से फूलेगी। और इधर मैदा मैंने 750 ग्राम लिया है यानी कि 1/4 किलो लिया है इसमें मैदा। मैं 3 पिज़्ज़ा इसके बनाऊंगी, 1 लार्ज और 2 मीडियम। अब ये ईस्ट वाला मिक्सचर जो राइस हो चुका है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ड्राई मिल्क पाउडर यानी खुश्क दूध ऐड कर रही हूँ और 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर यानी खुश्क दूध नहीं है तो आप इस डो को मिल्क के साथ गूंद लें पानी की बजाय, तो फिर भी वही रिजल्ट्स आएंगे। तो मैंने वही ईस्ट वाले बाउल में पानी ऐड कर लिया और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। याद रहे कि पानी नीम गर्म है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा, इस तरह रिज़ल्ट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। और अब अच्छी तरह हमने 5 से 6 मिनट से गूंद लेना है, पहले इस तरह बाउल में और फिर इस तरह काउंटर पे मैदा डस्ट करके। तो आपने इसे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट गूंद लेना है। इससे क्या होगा, एक तो इसमें से एयर ख़त्म होगी, दूसरा बहुत ही लचक आएगी। आप देखेंगे जब हम इस डो को बनाएंगे इससे पिज़्ज़ास तो ये कितनी लचकीली होगी, कितना मज़ा आएगा इसको बनाने में। अब उसी बॉयल में मैंने ऑयल स्प्रेड कर लिए नीचे और ये डो जो हमने गूंद लिया ये इसमें ऐड करेंगे और ऊपर भी हम ऑयल स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो रहा। और आप ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से अच्छी तरह आप ऊपर ऑयल लगा लें और इसे कवर कर दें, बेशक एयर टाइट कंटेनर में ऐड कर दें। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, ऐसा होना चाहिए। और अब इसे कवर करेंगे, इसमें एयर नहीं जानी चाहिए, या तो आप इसके ऊपर कपड़ा भी दे दें साथ में ताकि एयर उसके अंदर नहीं जाए। और गर्म जगह पे इसे 1 घंटे के लिए रखेंगे, अगर सर्दियां हैं तो आप इसे 2 घंटे के लिए धूप में रख दें तो ये डो राइस हो जाएगी। और उतनी देर नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इधर पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया मैंने और 1/2 kg बोनलेस चिकन है यानी 1/2 किलो है 500 ग्राम, ये इसमें ऐड कर दिया। बारीक बारीक इसके पीसीस मैंने बनाए हैं और 1/2 टीस्पून इधर मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही अदरक का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और 1 टेबलस्पून इधर मैंने तंदूरी मसाला ऐड किया है। पहले मैंने पिज़्ज़ाज़ बनाए हैं, कोई चिकन टिक्का ऐड किया है, कोई कुछ ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लें, या हल्दी का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप येलो फूड कलर इसमें ऐड कर लें 2 चुटकी। नमक 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1/2 kg चिकन है उसी हिसाब से मैंने मसाले डाले इसमें। और 2 टेबलस्पून अब पानी डालने के बाद हम इसके ऊपर कवर रख देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट पकाएंगे ताकि चिकन हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाए, मतलब कि सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है आपने। और ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद चिकन हमारा सॉफ्ट हो चुका है और ये पानी जो है हल्का हल्का जो रह गया ये भी हमने ड्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने, पहले लो था, अब मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह इसका पानी सोक कर लेंगे हम, ड्राई कर लेंगे पानी। ये देखिए 1/2 kg चिकन से मैंने 3 पिज़्ज़ाज तैयार किए थे, एक ऑर्डर था, एक मैंने गिफ्ट किया था और एक घर के लिए बनाया था। मतलब इजीली इतने चिकन से आप 3 पिज़्ज़ाज बना सकते हैं, जिसमें से 1 लार्ज था और 2 मीडियम। और अब हम बहुत मज़े का व्हाइट सॉस बनाएंगे, जिसके लिए मेयोनीज चाहिए हमें 1 कप।
और 5 से 6 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहें घर वाली बलाई भी ऐड कर सकते हैं। और ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। बेकरी से आपको इजीली मिल जाएगा, स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली गया। ये पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है, 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर ऐड किए। पेपरिका पाउडर शिमला मिर्च का पाउडर होता है जो कि बहुत मज़े का होता है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और ये देखिए झटपट में हमने अपना बहुत मज़े का वाइट सॉस रेडी कर लिया है। इसे आप डिप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्नैक्स बनाएं उसमें डिप के तौर पे ये बना लें साथ, या रायता बना लें, बहुत मज़ा आएगा। और अब पिज़्ज़ा सॉस भी हम घर में बनाएंगे जो कि बहुत बजट फ्रेंडली बनता है। इसमें ऑरिगेनो 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इटालियन हर्ब है जो ख़ास पिज़्ज़े का मसाला होता है और ये बेकरी से इजीली मिल जाता है। नमक 2 चुटकी ऐड कर देंगे इसमें, और ब्लैक पेपर भी 2 चुटकी ऐड करेंगे, और ज़ीरा पाउडर 2 चुटकी, और रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून ऐड कर देंगे, और धनिया पाउडर भी 2 चुटकी मैंने ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए झटपट में 30 सेकंड में हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुका है जो कि आप बाज़ार से बहुत ही महंगा ख़रीदते हैं, लेकिन घर में ये घर के मसालों से बहुत इजीली रेडी हो जाता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली भी बनता है। और अब पिज़्ज़ा ट्रे रेडी करके हम रख लेते हैं। तो इस पर ऑयल स्प्रेड करके अच्छी तरह से ब्रश कर देना है आपने, और इसे साइड पर करते हैं। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ है, 150 ग्राम ही मोज़रेला चीज़ है और उतनी ही चेडर चीज़ जिसे मैंने श्रेड करके रख लिया है। और अब डो देख लेते हैं। देखिए माशाल्लाह 1 घंटे के बाद, क्योंकि गर्मी है, हमारी डो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से राइज हो चुकी है। अगर आप सर्दियों में डो गूंथते हैं ना, तो इसे आप बाहर धूप में कवर करके रख दें 2 घंटे के लिए कम से कम, तो फिर ये सही रिज़ल्ट देगी। गर्मी में तो ये किचन में ही बेस्ट रहती है। आपने इसे फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह दोबारा गूंथ लेंगे। और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी लचकीली है माशाल्लाह। 1 मिनट जस्ट अब हमने इसे गूंदा है, इसका स्टे देना ही इसके लिए बेस्ट होता है। आप देखिए आपने जितना पेड़ा बनाना हो, जितना पिज़्ज़ा आपको चाहिए आप उतना ही पेड़ा बना लें। ये मैं मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। जो मैंने ऑर्डर देना था वो ज़रा लेट था, तो इसलिए पहले मैं घर के लिए बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको क्वांटिटी बताती जाऊँगी। ये मीडियम पिज़्ज़ा मैंने रेडी कर लिया है। आप हाथों से भी इसे बना सकते हैं, रोलिंग पिन से भी। और इसे अब ऐड करते हैं पिज़्ज़ा ट्रे में। साइडों से इसके किनारे थोड़े थोड़े इस तरह दबाएंगे बाहर को, ताकि हम जो भी इसके अंदर चीज़ ऐड करें वो बाहर नहीं जाए। और ये फोक की मदद से इस पर निशान भी इसलिए लगाए जाते हैं, सुराख इसलिए किए जाते हैं ताकि ये रोटी की तरह फूले नहीं ऊपर को, और जो भी मटेरियल हम ऐड करें वो इसके ऊपर ही रहे, बाहर नहीं आए, और ना ही ये फूले, ना इसकी शेप ख़राब हो। अब पिज़्ज़ा सॉस जितना आपको रिक्वायर हो, जितना पसंद हो डालें, 2 से 3 टेबलस्पून काफ़ी होगा। और इसके बाद हम वाइट सॉस लगाएंगे, ये भी ऑप्शनल है, आप जितना ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैं 2 टेबलस्पून तकरीबन इसमें काफ़ी है, 2 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर ऐड किया है, ये देखिए। और उसके बाद हम लगाएंगे चेडर चीज़। पहले चेडर चीज़ जो होती है बहुत ही क्रीमी होती है, बहुत ही मज़े की होती है, और जो मोज़रेला चीज़ होती है वो बाइंडिंग का काम भी करती है और हेल्दी, तो दोनों ही ये बहुत होती हैं। उसके बाद हमने ये जो चिकन तंदूरी तैयार किया था ये इसके ऊपर ऐड करेंगे। मैं आपको बताती चलूँ कि जो मैंने ऑर्डर देना था या जो मैंने गिफ्ट किया है उस पर मैंने चिकन घर वाले पिज़्ज़े से भी ज़्यादा लगाया है। बिकॉज़ आप जब भी किसी को गिफ्ट दें या आप किसी का ऑर्डर सर्व करें, तो मतलब चीज़ इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बंदा आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करे। उसके बाद ये मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड की है, टोमेटोज़ के स्लाइसिस भी लगा दिए हैं, शिमला मिर्च के स्लाइसिस भी लगा दिए हैं। वेजिटेबल आप कोई भी अपनी पसंद से लगा सकते हैं। थोड़े से प्याज मैंने ऐड किए हैं ऊपर, और अब ये मैं इसके ऊपर ऑलिव्स ऐड करूँगी। ब्लैक ऑलिव्स है मेरे पास, ऑप्शनल है, आप घर के लिए बना रहे नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऑरिगेनो ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। आपको स्पाइसेस कम लग रहे हैं तो आप इस पर चिली फ्लेक्स भी स्प्रेड कर सकते हैं। अब इस कढ़ाई को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब ये हम स्टैंड के ऊपर रखेंगे इसे, पिज़्ज़ा ट्रे को, और कवर कर देंगे लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए। पहले मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे प्री हीट किया, और 15 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिज़्ज़े की लुक चेक करें आप, कितनी ज़बरदस्त है। ये मैंने घर के लिए बनाया, लेकिन बाकी तो जो पिज़्ज़ास मैंने बनाए थे उनकी वीडियो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है और बहुत ज़्यादा बाइंड होना पड़ता है बंदे को, लेकिन इससे भी ज़्यादा मज़े के और ज़बरदस्त पिज़्ज़ास बने थे, और उनमें चिकन की क्वांटिटी भी मैंने ज़्यादा लगाई थी। लेकिन आप चेक कर सकते हैं ये पिज़्ज़ा भी किसी तौर कम नहीं है,
देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, खुशबूएं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है हमारे चिकन तंदूरी की। आप चाहें वाइट चिकन बना के वाइट चिकन टिक्का बनाएं वो भी ऊपर ऐड कर सकते हैं, आप कबाब्स ऊपर ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो। आप आलू का पिज़्ज़ा बना सकते हैं, वो भी मैंने बनाया है। मैंने मैक्रोनी का पिज़्ज़ा बनाया, बहुत ज़बरदस्त बनता है। बंद गोभी का पिज़्ज़ा उससे भी ज़्यादा मज़े का और हेल्दी बनता है। काफ़ी सारे पिज़्ज़ाज़ की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं। जो भी पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको चाहिए आप सर्च करें पिज़्ज़ा बाय चटखारा विद उज़्मा, आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी और उम्मीद है आपको सब पसंद भी आएंगी। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर चैनल पे न्यू है तो। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, कंजूसी मत किया करें, ये सब कुछ फ्री है। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ क्योंकि ये घर वाला पिज़्ज़ा, इसकी कटिंग हम कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं क्या ज़बरदस्त बना है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।